हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का मैंने चार्ट लगा रखा है। आप सभी को पता है वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक होने के नाते भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, जो कि अदर स्टॉक से क्या रखता है, अपनी अलग पहचान बनाता है पेनी स्टॉक में भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देना वैसे तो कहीं ना कहीं सही बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है, अच्छा मौका ढूंढ के अगर कोई निवेश किया जाए तो यहाँ पे एक समझदारी वाला सौदा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ट्रेंड लाइन या ड्रॉ किया, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एक न्यूज भी निकल के आई भी आइडिया वोडाफोन को लेकर। तो उससे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर अब जो है एक रिवर्सल आने का बहुत बड़ा चांस है। सबसे पहले चार्ट पर नजर डालते हैं, चार्ट को देखते हैं क्या किस तरीके से यहाँ पे अभी तक काम हुआ है। देखिए चार्ट को थोड़ा देखिए अपन, तो यहाँ पे ये जो मैंने सपोर्ट लाइन बनी यहाँ पे से ऊपर जब काम कर रहा था, ये जो सपोर्ट लाइन नीचे टूटी तो थोड़ा सा नीचे गया मार्केट कहां तक 7 रुपए तक, उसके बाद फिर ऊपर आया और इस सपोर्ट लाइन को वापस ऊपर की तरफ क्या करा, रजिस्ट करके ऊपर की तरफ गया वापस 10 रुपए 85 पैसे तक। फिर वापस इसके नीचे आता है अगर सपोर्ट लाइन तो वापस बहुत ज्यादा नीचे और बहुत डाउन हमें देखने को मिला था, लगभग 4 रुपए तक आ गया था। उसके बाद वापस इसको रजिस्ट करके फिर ऊपर गया और फिर ऊपर कहां तक गया, लगभग 12 रुपए 27 पैसे तक। फिर वापस इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया 10 रुपए तक, फिर इसको सपोर्ट लिया, मतलब ये 9 रुपए 50 पैसे की सपोर्ट लाइन मैंने बनाई है आपको, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहीं पे सपोर्ट लेके देखिए कितना ऊपर गया था स्टॉक, लगभग यहाँ पे 16.5 रुपए तक भी टच करके आया। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद अभी वापिस से 2 बार यहाँ पे क्या हुआ था, सपोर्ट लिया, एक बार ये मेरे कर्सर पे यहाँ देखिए और एक बार यहाँ, अभी मैं सारी चीज हाईलाइट करके ही बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे सपोर्ट वापिस लिया है और वापिस से अभी एक बार वापिस यहाँ पे क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। तो अब किस तरीके से पोजिशन बनाने के इसके अंदर अपने को काम है, थोड़ा जूम करके अभी फिलहाल की स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं, पुरानी को भी अपन थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो देखिए ये मैंने मतलब चार्ट को यहाँ पे जूम कर लिया और अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी हमें किस तरीके से यहाँ पे काम अपना करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा उसको जूम करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे किस तरीके से हमें भी क्या बन रहा है, टेक्निकल बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था, गोले को ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा हमें क्या दिखा, अप ट्रेंड दिखाई दिया। फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेने आया लेकिन सपोर्ट तक टच नहीं करा, फिर ऊपर ही चला वापस से और फिर वापस से देखिए यहाँ पे क्या करा इसने, फिर से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेशन के जोन में गया और फिर वापस से क्या लिया यहाँ पे, सपोर्ट लिया है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन चला बहुत टाइम तक, लेकिन वहां से एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमें लगभग 16 रुपए के आसपास, 16.5 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। वहां से फिर नीचे आया है, फिर वापस से थोड़ा सा ऊपर गया 15 रुपए के आसपास, 15.5 रुपए के आसपास फिर गया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है ये वाली, ये गैप फिलहाल अभी तक फिल भी नहीं हुई है। ये गैप डाउन के बाद कंटिन्यू स्टॉक बहुत नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन ऊपर नहीं जा पाया और कंटिन्यू यहाँ पे से क्या है, नीचे ही आता रहा। और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ब्लू कलर की लाइन, इसको भी क्या करा इसने, नीचे की तरफ यहाँ से तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ा और साथ ही जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है अभी सपोर्ट लाइन, वहां पे सपोर्ट लेते हो फिर से क्या करा हमें एक अच्छा खासा रिटर्न, लगभग 10 रुपए 70 पैसे के आसपास यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद वापस से क्या करा इसने, हमारे जो ट्रेंड लाइन इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर क्या करा, साइडवेज चलता रहा और वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन के बाद अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दी और यहाँ पे लगभग 11 रुपए 25 पैसे तक ये स्टॉक हमें दिखाई दिया और अभी वापस से वहीं पे आ गया है हमारे सपोर्ट पे। तो अभी क्या यहाँ पे पोजीशन बनना चाहिए, तो देखिए इतनी बार यहाँ पे वन यहाँ पे देख लिया सर्कल, 1 2 3, इसके अलावा ये 4 5 6 और 7, ये 7 सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ज्यादातर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे से क्या हो सकता है कि यहाँ पे 9.5 रुपए का स्टॉक है और अपन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें कि यहाँ पे हमें स्टॉक को परचेस करना चाहिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा आपको मैं, और वो स्टॉप लॉस आपको दूंगा मैं कितना, अगर 9.5 रुपए बाइंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है 1 से 1.5 रुपए का। और इसी के साथ जो टारगेट आपका मैं आपको देने वाला हूँ वो ये वाला जो हाई अभी लगा था इससे भी ऊपर का, क्योंकि ये अगर हाई टूटता है तो आपको ये वाला हाई भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब आपको 12.5 रुपए के आसपास का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो 9.5 से 12.5 मतलब कितना हो गया यहाँ पे आपका, ये लगभग 3 रुपए का टारगेट और 1.5 रुपए की स्टॉप लॉस इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक पेनी स्टॉक है, इस बात को अपने माइंड में रखिए कि पेनी स्टॉक इसके अंदर अगर आप उतना ही पैसा निवेश करें जितना कि आप क्या कर सकें, मान लो कभी लॉस हो जाए तो भूलने को तैयार हो, या फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का ध्यान रखें कि 1.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लेना है और उतना लॉस आप बियर कर सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्या करें, कंसल्ट करें और खुद भी अपनी रिसर्च करें, उसके बाद क्या करें कोई भी ट्रेड लेने का प्लान बनाए। और दूसरी बात एक और चीज यहाँ पे है कि
गैप जो है अभी तक फिल नहीं हुई है। जनरली स्टॉक क्या करते हैं, गैप फिल करते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ से 12 रुपए तक भी जाता है, तो इसके बाद अगर ये ऊपर आया तो फिर ये गैप फिल करते हुए हमें देख सकता है आगे, और ये लगभग वापिस 15 रुपए को बहुत जल्दी क्या करेगा, टच करेगा। लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने में 15 रुपए के आसपास स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था इसमें कोई न्यूज भी निकल के आ रही है, तो क्या है वो न्यूज उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल आपको मैं न्यूज के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अभी क्या कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया वाले, प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। आज तक जो है, आज तक न्यूज है ना, उसकी ये न्यूज है कि एयरटेल जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने क्या करे, लॉन्च किए हैं प्रीपेड प्लान, और कीमत 29 रुपए से भी कम रखी है, और यहाँ पे पोर्टिंग भी बहुत सारा करा रहे हैं। तो इतना कम कीमत में जो प्लान इन्होंने लॉन्च किया है, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वोडाफोन अगर इतना सस्ते प्लान लाएगा तो कहीं ना कहीं जो है कस्टमर डाइवर्ट होंगे, और इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले की जियो, क्या कहते हैं, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर जियो और एयरटेल कंपेयर में कम हो रहे थे, वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। साथ ही में इनका नेटवर्क प्लान जो है वो भी इन्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, वोडाफोन आइडिया ने 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, 29 रुपए से स्टार्ट है ये प्लान, उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने सस्ता प्लान लेना चाह रहा है, मतलब सस्ता प्लान जो लेना चाहता है और कौन नहीं लेना चाहता, उन सबके लिए प्लान क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। कुछ एड ऑन प्लान है जिसका यूज डेली डाटा लिमिट होने के बाद भी क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। जैसे वोडाफोन आइडिया ने 29 रुपए, 39 रुपए, 91 रुपए, 195 रुपए और 319 रुपए वाले प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। यह प्लान आपको इसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह बताइए, बाकी ये फिलहाल हमारे स्टॉक मार्केट को रिलेट नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि अगर कंपनी कुछ कर रही है अच्छा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है इनका, यहाँ पे बेनिफिट के तौर पर इनको ये होगा कि आगे कस्टमर जुड़ेंगे तो अपना स्टॉक मार्केट में क्या रहेगा हमें दिखेगा, बाकी प्लान वगैरह आप खुद नेट पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।